एपिसोड 125 की शुरुआत में हम शिहाव को देखते हैं जो उस बंदे पर भारी पड़ रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ आए सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि शिहाव जिस बंदे से फाइट कर रहा होता है वो कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं होता है, वो अपर वर्ल्ड के एक पावरफुल क्लैन का जीनियस होता है। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो शिहाव को मारने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक लाइटनिंग बॉल बनाने लगता है। तभी शिहाव को उसके दादाजी का ऑरा महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही वो कहता है कि मेरे दादाजी यहीं कहीं आसपास है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करके वहां जाना होगा। पर तभी वो बंदा शिहाव के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर शियाओ उसे किक मारकर दूर कर देता है। जो देखकर वहाँ खड़ा है एक बंदा शियाओ के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, आज मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पर शियाओ उसे पीछे कर देता है। ये देखकर वो बंदा शियाओ पर डिवाइन रूट से अटैक करता है, पर शियाओ उसके रूट को पकड़ लेता है और उसके ऊपर थंडर से अटैक करके उसे घायल कर देता है। ये देखकर वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शियाओ से कहता है, तुमने मुझे इंजर्ड किया और मेरे डिवाइन रोप को भी डैमेज कर दिया, इसलिए आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जो सुनकर शियाओ कहता है, जो कोई भी मुझसे ट्रेजर छीनने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। जो सुनकर वो बंदा अपने एक खास ट्रेजर हेल मड को निकालता है, जिसे देखकर शिहाव उसके ऊपर अपने लाइटनिंग से अटैक करता है, पर वो मड शिहाव के लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और शिहाव का पीछा करने लगता है। जिसे देखकर शिहाव एक जगह पर रुककर अपने गोल्डन फर्नेस को निकालता है और उस मड को गोल्डन फर्नेस के अंदर कैद करने का सोचता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मड तो अपने आप ही फर्नेस के अंदर चला जाता है। जिसके बाद शिहाव उस बंदे से उसका लाइफ बोन लेने की सोचता है, पर वो बंदा फाइट करते हुए शिहाव के हाथों मारा जाता है, जिस वजह से उसका लाइफ बोन एंट्रेंस वाली गेट के पास चला जाता है। जिसके बाद वहां पर सभी को एक और ट्रेजर होने का एहसास होता है, तो वो सब ट्रेजर के पीछे चले जाते हैं और शियाओ भी उसी जगह पर जाने लगता है जिस जगह पर लास्ट टाइम शियाओ को उसके दादाजी का ऑरा महसूस हुआ था। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो एंट्रेंस गेट पर आ जाता है और इंजर्ड होने के कारण नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है और वो बंदा उस बंदे से पूछता है, आखिरकार तुम्हारी ऐसी हालत किसने करी? तो लड़का खड़े होते हुए उस बंदे को ग्रीट करता है और कहता है, मेरी जिससे फाइट हुई थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रांग था और उसके पास थंडर की पावर भी थी, जिस वजह से वो थंडर की पावर को एक अलग ही लेवल पर यूज कर रहा था। जो सुनकर वो आदमी सोचने लगता है, डीमन क्लैन के बंदों को भी शायद इसी ने ही मारा है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम शियाओ को देखते हैं जो अपने दादाजी को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है, जहां शियाओ का भाई उसके ऊपर से जा रहा होता है, तो शियाओ उसे ही देख रहा होता है। जिसके बाद हम शियाओ के दादाजी को देखते हैं जो शियाओ के भाई को वहां से गुजरता हुआ देखते हैं और शियाओ के दादाजी अभी के लिए यहां पर अपने भेष को बदल कर खड़े होते हैं। तभी शियाओ के दादाजी के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक शॉट निकलकर शियाओ के दादाजी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जो देखकर शियाओ अपने ग्रैंडफादर को अलर्ट कर देता है, जिस वजह से उसका ग्रैंडफादर उस शॉट के अटैक से बच जाता है। तभी उस पोर्टल से एक बंदा बाहर आता है और वो बंदा शियाओ के ग्रैंडफादर से कहता है, तुम भागने में तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, लेकिन इस बार आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ये सुनकर शियाओ के ग्रैंडफादर उस बंदे से कहते हैं, तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो। जो सुनते ही वो बंदा फौरन से शियाओ के ग्रैंडफादर पर अपने शॉट से अटैक करता है, मगर शियाओ के ग्रैंडफादर उसके अटैक से बच जाते हैं और कहते हैं, अगर अभी मैं अपनी पीक कंडीशन में होता तो तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सुनते ही उस बंदे का खून खौल जाता है और वो शियाओ के ग्रैंडफादर पर एक पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पावर को एक्टिवेट करके उससे एक स्पिरिचुअल शॉट बनाता है और शियाओ के ग्रैंडफादर पर अपने उस शॉट से अटैक कर देता है। तो शियाओ के ग्रैंडफादर उसको रोकने के लिए एक शील्ड बनाते हैं, मगर शियाओ के ग्रैंडफादर उस अटैक को ज्यादा देर तक का होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो शील्ड वहीं पर टूट जाती है और उस जगह पर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम वहां पर शियाओ को देखते हैं, जिसने की शील्ड बनाकर अपने ग्रैंडफादर को बचा लिया होता है और शियाओ उस बंदे पर अपने एनर्जी से अटैक करके उसे दूर कर देता है। जिसे देखकर वो बंदा शियाओ से पूछता है कि अब तुम कौन हो, तो शियाओ कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, मुझे इस लड़के से कुछ काम है। मगर उसे शियाओ की बात पसंद नहीं आती है और वो गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में शियाओ के ऊपर शॉर्ट स्लैश अटैक करता है, पर शियाओ उसके अटैक से बच जाता है और उसके ऊपर लायन और फिनिक्स बर्ड टेक्निक से अटैक करता है, पर वो बंदा शियाओ के अटैक को डिफेंड कर लेता है और शियाओ को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम मुझे इन फालतू के टेक्निक से नहीं हरा सकते। जिसके बाद वो बंदा अपने स्पिरिचुअल अवतार को एक्टिवेट करने लगता है और इस बंदे का स्पिरिचुअल अवतार भी देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है, जिसको देखकर शियाओ बिल्कुल भी नहीं डरता है और अपने लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करता है और उस बंदे के स्पिरिचुअल अवतार को एक ही झटके में लाइटनिंग स्ट्राइक से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो उस बंदे पर अपने स्पिरिचुअल पंच से अटैक करता है, मगर वो बंदा उस अटैक को रोकने लगता है, जो देखकर शियाओ उसके ऊपर दूसरी तरफ से लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन इस बार ये बंदा इसके अटैक को नहीं रोक पाता है क्योंकि उसका ध्यान शियाओ के पहले अटैक को रोकने में होता है, जिस वजह से वो यहाँ पर मारा जाता है। और हम देखते हैं कि उसके पास भी लाइफ बोन होती है और वो लाइफ बोन शियाओ के पास आकर कहती है कि तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया और मैं इसका बदला जरूर लूंगा, इसलिए तुम कहीं पर भी चले जाओ मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा। जिसके जवाब में शियाओ कहता है कि बिल्कुल तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद वो लाइफ बोन यहाँ से एंट्रेंस गेट की तरफ चले जाती है। उस बोन के यहाँ से चले जाने के बाद शियाओ उस लड़के से पूछता है, क्या तुम लोअर वर्ल्ड से बिलोंग करते हो? जिसे सुनकर शियाओ के ग्रैंडफादर हैरान हो जाते हैं और अपनी हैरान भरी नजरों से शियाओ को देखने लगते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया कि मैं लोअर वर्ल्ड से हूँ, तो इस लड़के को कैसे पता चला कि मैं लोअर वर्ल्ड से हूँ? इसलिए वो फौरन से शियाओ के माइंड में आ जाते हैं और शियाओ से कहते हैं कि हाँ मैं लोअर वर्ल्ड से हूँ। जो सुनकर शियाओ कहता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन के शुरुआत से ही आपकी जासूसी कर रहा था, पर जब से मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोअर वर्ल्ड से आप अपर वर्ल्ड में
किसी को ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनकर शियाओ का ग्रैंडफादर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, दरअसल मेरा एक ग्रैंडसन है जो अपर वर्ल्ड में है और उसने भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, इसलिए मैं इस कॉम्पिटिशन में आया हूँ ताकि मैं उसे देख सकूँ और उससे मिल सकूँ। ये सुनकर शियाओ शॉक हो जाता है कि यही उसके ग्रैंडफादर है, क्योंकि शियाओ अपने ग्रैंडफादर को बरसों से ढूंढ रहा होता है और आज जाकर शियाओ अपने ग्रैंडफादर से मिल पाया है। इसलिए शियाओ भावुक हो जाता है और जल्दी जल्दी पूछने लगता है कि क्या आपका लोअर वर्ल्ड में भी एक पोता है। जो सुनकर शियाओ के ग्रैंडफादर को कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचने लगता है कि क्या मैं इससे कभी मिला हूँ, मगर जहाँ तक मुझे याद है मैं इस लड़के से कभी भी नहीं मिला हूँ, तो फिर इस लड़के को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। जिसके बाद शियाओ के ग्रैंडफादर शियाओ से कहते हैं कि हाँ, लोअर वर्ल्ड में भी मेरा एक पोता है, मगर अब वो नहीं है क्योंकि अपर वर्ल्ड के कई सारे पावरफुल लोगों ने एक साथ हाथ मिलाकर उसे मार दिया, इसलिए मैं अपर वर्ल्ड के इन कमीने लोगों को नहीं छोड़ूंगा और उनसे मैं अपने ग्रैंडसन के मौत का बदला लूंगा। पर तभी शियाओ उनसे बताता है कि आपका ग्रैंडसन अभी जिंदा है, जो सुनकर शियाओ के ग्रैंडफादर हैरान रह जाते हैं और शियाओ के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे ग्रैंडसन को जानते हो, वो तुम्हें कहाँ पर मिला था, क्या वो अभी भी जिंदा है। मगर हम देखते हैं कि शियाओ नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है, ग्रैंडफादर मैं आपके स्पिरिचुअल बॉडी से डीमन आइलैंड पर मिला था, मगर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके स्पिरिचुअल बॉडी को बचा नहीं पाया, पर उसके बताए हुए रास्ते का पीछा करके मैं यहाँ तक पहुँच गया और आखिरकार आज मैं आपसे यहाँ पर मिल ही गया। जो सुनकर शियाओ के ग्रैंडफादर को शियाओ में अपने बेटे यानी कि शियाओ के फादर नजर आते हैं और वो अपने रियल फॉर्म में आते हुए शियाओ से कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि मेरे स्पिरिचुअल बॉडी को कुछ हुआ है, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे स्पिरिचुअल बॉडी से मिल चुके हो, और जब मुझे पता चला था कि अपर वर्ल्ड के लोगों ने तुम्हें मार दिया है तो मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और तुम्हें कैसे ढूंढूँ, मगर बात चाहे जो भी हो आज तुम मेरे सामने सही सलामत हो, इसलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये कहकर शियाओ के ग्रैंडफादर शियाओ को अपने गले से लगा लेते हैं और इसी के साथ यहाँ का मंजर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम शियाओ के ग्रैंडफादर और शियाओ को देखते हैं जो एक जंगल में होते हैं और शियाओ अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर आपने मेरे लिए काफी सारे मुसीबतों का सामना किया है। जो सुनकर शियाओ के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। पर तभी शियाओ के ग्रैंडफादर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, जिसे देखकर शियाओ घबरा जाता है और फौरन से उनके पास जाकर उनकी बॉडी को चेक करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की बॉडी में कुछ अजीब सा ऑरा है और वो ऑरा अंदर से शियाओ के ग्रैंडफादर को कमजोर करता जा रहा है। तो शियाओ के ग्रैंडफादर शियाओ को बताते हैं कि जब वो डीमन आइलैंड में थे तो एक पिल को खाया था, शायद उस पिल के वजह से ही मेरे बॉडी में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लगता है मैंने उस पिल को अब तक अच्छे से कंज्यूम नहीं किया है क्योंकि मुझे उस पिल को कंज्यूम करने का मौका ही नहीं मिला, जब भी मैं उस पिल को कंज्यूम करने की कोशिश करता तभी वहाँ पर मेरे एनिमीज आ जाते थे, जिस वजह से मुझे पिल रिफाइनमेंट को बीच में ही छोड़कर उनसे फाइट करना पड़ता था और इन्हीं सब चक्करों में मेरी बॉडी भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती थी, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अब तक उस पिल को कंज्यूम नहीं कर पाई। जो सुनकर शियाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में कहता है, ग्रैंडफादर मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने आपको परेशान किया और तकलीफ पहुंचाई। अब देखना यह होगा कि शियाओ आगे क्या करता है, क्या शियाओ अपने ग्रैंडफादर का बदला और अपना बदला ले पाएगा, ये सब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।